गाइस, जैसे मुझे सुबह पता चला कि मुझे आई फ्लू हो गया है तो गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो गाइस मुझे सुबह बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था आँखों में, तो गाइस अब जब मैं दवाई लेके आया हूँ तो अब बहुत ही कम दर्द हो रहा है। फिर भी गाइस थोड़ा बहुत तो दर्द हो ही रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, छोटों को सम्मान और बड़ों को सादर प्रणाम। सो गाइस, आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो गाइस शाम के करीब 6 बज चुके हैं। तो गाइस अभी मैं अपने गांव से थोड़ा दूर टहलने आया था। तो गाइस मौसम देख सकते हैं, अभी तो इतना थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन दिन में बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। अभी भी है थोड़ा बहुत, यहाँ पर पेड़ों की छाया वगैरह है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आज सुबह मुझे आई फ्लू हो गया था। तो गाइस सुबह से मैं अपने घर पर ही लेटा था, अभी बस निकल के आया हूँ। तो गाइस जैसे मुझे सुबह पता चला कि मुझे आई फ्लू हो गया है तो गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो गाइस मैं तुरंत CHC गया और वहाँ से दवाई लेके घर में ही लेटा रहा दिन भर, अभी बस निकल के इधर आया हूँ। तो गाइस जबकि मेरी मम्मी मुझे बहुत डांट रही थी कि फ़ोन ना चलाओ, तो मैंने आज फ़ोन अभी बस छुआ है सुबह से। तो गाइस मुझे सुबह बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था आँखों में, तो गाइस अब जब मैं दवाई लेके आया हूँ तो अब बहुत ही कम दर्द हो रहा है। फिर भी गाइस थोड़ा बहुत तो दर्द हो ही रहा है, इसीलिए मैं इधर अभी टहलने आया हूँ, क्योंकि अभी धूप कम हो गई है तो तभी इधर आया हूँ, वरना नहीं आता। सो गाइस मैं सुबह स्कूल जाने ही वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे आई फ्लू हो गया है तो मैं नहीं गया, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, किसी के भी हो सकती है, इसीलिए मैं दवाई लेने चला गया था। तो मैं स्कूल नहीं गया था आज, मैं दिन भर घर में ही लेटा रहा था। यार मैंने कभी चश्मा लगाया नहीं तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही लगाने में, क्योंकि ये ऐसा कुछ दूसरी टाइप का लग रहा है, कभी मैंने चश्मा लगाया तो है नहीं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत ही अच्छा मौसम है। गाइस देख सकते हैं इधर आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है, केवल ये मेरा एक दोस्त है जो कि अपना चश्मा बार बार इधर फेंक रहा है। गाइस इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर धान की फसल देखिए कैसी एकदम खराब सी हो गई है। गाइस पानी वगैरह भी नहीं बरस रहा है, अभी देख सकते हैं आप लोग एकदम खराब होने लगे, सूखने भी लगी है इधर देख सकते हैं। गाइस अभी देखिए ये हमारे सौरभ भाई यहाँ पर अपनी धान की फसल में खाद डालने आए थे, जो कि अभी डाल चुके हैं। तो गाइस नागेश भाई के आई फ्लू हो चुका है, इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें, ठीक है। और तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे आपसे आपको आई फ्लू नहीं होगा। गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ सौरभ भाई रील बना रहे हैं, तो गाइस इनका इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो गाइस देखिए भोजपुरी मोड में इधर बना रहे हैं रील, मुझे तो ले नहीं रहे इसीलिए मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। कह रहे हैं तुम्हारे आई फ्लू है सबके हो जाएगा, इसीलिए गाइस मुझे दूर कर दिया है। तो गाइस करीब 7 बज चुके हैं, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत की तरफ, क्योंकि मुझे अपनी भैंसों के लिए घास लाना है उधर से। गाइस देखिए यहाँ पर ये जो सांड है ये भड़क चुका है। गाइस देखिए कैसे मिट्टी में अपनी सींघे घुसा रहा है। गाइस देखिए अगर इसने मुझे दौड़ा लिया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। गाइस देखें कैसे मिट्टी में इधर उधर खोपड़ी लड़ा रहा है। गाइस अगर इसको मारने के लिए कोई मिल जाए तो उसे मार ही डालेगा। गाइस देखिए, तो गाइस अभी मैं अपने खेत पहुंचाया हूं, तो गाइस यहां से मुझे अपने भैंसों के लिए घास ले जानी है। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हैं उड़द के पेड़ ये बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं, अभी इसमें उड़द के दाने लगे तो हैं नहीं, घास भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है देख सकते हैं आप लोग। गाइस देखिए इसका छिड़काव करवाने वाला है उड़द का, देख सकते हैं गाइस अंधेरा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, सूर्यास्त भी हो चुका है, करीब 7 बज चुके हैं। गाइस देख सकते हैं आप लोग अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। सो गाइस आप लोग इस आई फ्लू नामक बीमारी से बच के रहिए। गाइस मेरे तो हो ही गया है, गाइस देखिए अब कब सही होगा। तो गाइस आप लोग बच के रहिए, अगर किसी को हो जाए तो घर से बाहर बाहर ज़्यादा ना निकलिए। तो गाइस अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।